ये विंडो है एंड यू दिखाती हूँ. जस्ट लुक एट दैट टेम्पल, इजंट इट गॉर्जियस गाइस. एंड आई थिंक ये बुद्धिज्म से कुछ रिलेटेड है, इफ आई एम रॉन्ग. नहीं, ये शायद टेम्पल है. आई एम सॉरी गाइस, मैं मतलब बुरी हूँ इन सब चीज़ों में, बट बहुत प्रिटी सा टेम्पल है जो भी है. तो इधर मम्मा कपड़े रख रहे हैं दीदी के. सब कुछ ठीक कर देती हूँ. सो गाइस, आज मैं आ चुकी हूँ अपनी दीदी के घर, जो मेरी दीदी है और मम्मा की वो लगी बेटी बड़ी वाली. सो वो जो बड़ी मौसी है जिनकी इंगेजमेंट में हम लोग गए थे, आपने ये वीडियो देखा होगा ये वाला. सो उनके इंगेजमेंट में गए थे तो उनके घर में आई हूँ. उनका फ्लैट है भागलपुर में, तो मैं उनके घर आई हूँ. भैया ये फ्रॉक पहना है, इधर दिखाओ. वाओ, हेयर अच्छा लग रहा है. और आज है मंडे गाइज, तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और मैं निकलूंगी थोड़ा देर में. आज है मंडे गाइज, तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और मैं निकलूँगी थोड़ा देर में. और यहाँ मैंने चूड़ा पहन लिया है और आराध्या भी रेडी हो गई है. हम लोग जाने वाला है, तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में. और हम लोग कहीं जाने वाले हैं तो देखते रहिए कहाँ जाए. भैया ये फ्रॉक पहना है, इधर दिखाओ. वाओ, हेयर अच्छा लग रहा है. अच्छी नहीं लगती. सो गाइस, आज मैं आ चुकी हूँ अपनी दीदी के घर, जो मेरी दीदी है और मम्मा की वो लगी बेटी बड़ी वाली. सो वो जो बड़ी मौसी है जिनकी इंगेजमेंट में हम लोग गए थे, आपने ये वीडियो देखा होगा ये वाला. सो उनके इंगेजमेंट में गए थे तो उनके घर में आई हूँ. उनका फ्लैट है भागलपुर में, तो मैं उनके घर आई हूँ. इधर मम्मा कपड़े साथ रही है, वो जो लाए थे हम लोग. ये तो मौसी के कपड़े हैं, आई मीन दीदी के कपड़े हैं. रूम, आई मीन मासी, अच्छा मासी बोल दे रही हूँ. मेरी जो दीदी है उनका अलग रूम है, तो वो अलग रूम में सो रही है. सो ये विंडो है, एंड यू दिखाती हूँ. जस्ट लुक एट दैट टेम्पल, इजंट इट गॉर्जियस गाइस. एंड आई थिंक ये बुद्धिज्म से कुछ रिलेटेड है, इफ आई एम रॉन्ग. नहीं, ये शायद टेम्पल है. आई एम सॉरी गाइस, मैं मतलब बुरी हूँ इन सब चीज़ों में, बट बहुत प्रिटी सा टेम्पल है जो भी है. And this is my full dress. ये actually window है, but still मैं इधर ले रही हूँ. तो इधर मम्मा कपड़े रख रहे हैं दीदी के. सब कुछ ठीक कर देती हूँ.
तो यहाँ दीदी सफाई कर रही है, पूरा लगी हुई है किचन साफ करने में। नहीं दीदी हाँ तब वीडियो में आ भी जाते हैं। और ये किचन रहा, और किचन में सब्जी बना है गाइस, आलू गोभी की सब्जी, कुकर में दाल और इधर चावल। और मैं यहाँ पे हूँ, काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा रूम है। सो इधर मम्मा क्या बना रही है? चाय। मौसा मासी आने वाले? नहीं, दीदी के लिए चाय बना रहे हैं। ये क्या कर रही है? देखो इसकी हरकतें बड़ी गंदी है। अच्छा तुम फिर देखो, ये दीदी है। गाइस मॉर्निंग का टाइम है और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और ये काजल की छत का है मिनी गार्डन है, ये बहुत बड़ा है। इधर देखिए, इधर इधर भी लगा दिया, कितना फैंसी के अंदर लगा दिया है मास्क। ये पुदीना है, मिर्ची सब कितना हरा भरा है टेरिस। उधर देख सकते हैं आप लोग, मंदिर काफी बड़ा है, बहुत सुंदर। हाथ धोना तो मौसी को बोलो ना इधर धो ले, इधर पानी है इसमें धो लो। इधर पानी, इधर आप लोग देख सकते हैं भागलपुर का अच्छा जगह, जागृति कॉलोनी। इधर आप लोग देख सकते हैं काफी मिर्ची है, लाल लाल सब लाल लाल मिर्ची है। हर जगह इधर कबूतर। सुबह का टाइम है गाइज, काफी सुंदर जगह आप लोग देख सकते हैं। छत काफी सुंदर लग रहा है, बच्चे सबका। तो ये ब्लॉग को यहीं रहने देती हूँ, काफी अच्छा लगा।